हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेनुगेशन में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बढ़ाकर वीडियो के अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी इंतजार कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा आपके कॉमेंट भी आ रहे थे, सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो फाइनली यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने एडमिट कार्ड की डेट दी है कि इस डेट को ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके जो प्रवेश पत्र हैं, जो एडमिट कार्ड हैं, वो जारी हो जाएंगे। आप सभी को पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बहुत बड़ी भर्ती है और वो है आपके प्रयोगशाला सहायक, जिसके अंदर 28, 29 और 30 तारीख तीन दिन तक आपके पेपर चलने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कब से कब तक आपके पेपर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर साइंस वालों की, जो लैब असिस्टेंट साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो एग्ज़ाम है वो 28 को भी होगी, 29 को भी होगी। 28 को पहली पारी में, क्योंकि इनके दो पेपर होने वाले हैं, तो जो पहला पेपर होगा वो यहाँ पर 10 से 12 बजे के बीच में होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो यहाँ पर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होगा। वहीं 29 की बात करें तो टाइमिंग सेम ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यहां पर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 30 तारीख को होगा, यानी 30 जून को होगा मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर 12:30 तक। वहीं अगर हम बात करें होम साइंस का तो वो भी 30 को होगा, लेकिन वो इवनिंग शिफ्ट में होगा और वो 3:00 से लेकर 6:00 के बीच में आपका जो पेपर है वो होने वाला है। तो ये तो आपका डेट और टाइमिंग है। तो 28, 29, 30 तीन दिन आपके पेपर चलने वाले हैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर। और अब एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो 22 जून को। जी हाँ, 22 जून को आपके जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसके ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लोग सभी जो अपने प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आप चेक कर लेंगे कि आपका सेंटर कहाँ है। अगर आपका सेंटर दूर है तो आप जो है पहले ही अपना टिकट वगैरह करवा लें ट्रेन का, जिससे कि ज़्यादा समस्या नहीं हो। वैसे अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो रोडवेज सेवा फ्री दी जाती है वो इस भर्ती में दी जाएगी नहीं दी जाएगी। अगर दी जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और 22 तारीख को आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब सेंटर पे आप लोग जाएंगे तो 1.5 घंटे पहले ही आपको पहुंचना है, तो पहले ही आप चल जाए। और ऐसा मत करना कि भाई एग्जाम आपका 9:00 का है तो सेंटर पर 8:00 पहुँच रहे हैं, या उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर आया है वो कुछ समय पहले ही पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, जल्दबाजी में जो है विद्यार्थी नहीं पहुँच पाते हैं सेंटर पर। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी फेस पे मास्क वगैरह और ड्रेसिंग कोड का आपको ध्यान रखना है जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा, ठीक है। पेन कौन सा लेके जाना है वो भी आपके एडमिट कार्ड में होगा। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना। तो रही बात आपकी तैयारी, तो तैयारी आपकी ऑलमोस्ट हो गई होगी, आपकी जो प्रैक्टिस है वो चल रही है। तो प्रैक्टिस ही हम लोग करवा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप सभी को पता है कि जो रेगुलर आपकी क्लास आ रही है राजस्थान जीके की, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो कल भी एक शानदार सेशन लेके आ रहा हूं और सुबह आपके 9:15 एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे, राजस्थान जीके क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी कल 9:15 क्लास को जरूर देखें। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।